वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेकपोक पे। आप में से ही किसी पर्सन ने मेरे से बोला था मो लाइफ सेंस 500 के बारे में और नेक्स्ट फिट इवॉल्व के बारे में एक डीप डाउन कंपैरिजन चाहिए, तो मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे एक तरफ है नेक्स्ट फिट इवॉल्व टॉक और एक तरफ है मो लाइफ सेंस 500। देखेंगे दोनों में से कौन सी वॉच बेटर है। एक वॉच 2020 में रिलीज हुई थी और एक वॉच 2021 में रिलीज हुई थी। आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। इस तरीके की डीप डाउन रिव्यू आप सभी के लिए बनाता रहता हूँ और साथ में आप मेरे को एंड में जरूर बताइए आपको इन दोनों में से कौन सी वॉच बेटर लगी, आप कौन सी वॉच के लिए जाना चाह रहे हो और साथ ही में यहाँ पे किस वॉच का आपको डीप डाउन कंपैरिजन चाहिए आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली आपको उस वॉच का डीप डाउन कंपैरिजन लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से। तो इवॉल्व में आपको 1.28 इंचेस का आईपीएस TFT डिस्प्ले मिलता है 240 by 240 पिक्सल्स का और सेंस 500 में आपको 1.7 इंचेस का TFT कलर डिस्प्ले मिलता है 240 by 280 पिक्सल्स का। ऑल्दो यहाँ पे आईपीएस डिस्प्ले नहीं है बट उसके बावजूद भी सेंस 500 ज्यादा यहाँ पे ब्राइट है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट फिट इवॉल्व। नेक्स्ट हम बात करें तो रेस टू वेक आपको दोनों में मिल जाता है, आपको ऑलवेज ऑन का ऑप्शन दोनों में से किसी में नहीं मिलता है और यहाँ पे 2.5D कर्व ग्लास यूज किया गया है इवॉल्व में और सेंस 500 में आपका 2.5D कर्व ग्लास साथ में प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया गया गोरिल्ला ग्लास 3 का। ऑल्दो यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी थोड़ी सी कम है इवॉल्व की एज कम्पेयर टू सेंस 500 में जहाँ पे आपको 326 पर पिक्सल डेंसिटी मिलती है, तो यहाँ पे टेक्स्ट की शार्पनेस ज्यादा है सेंस 500 में एज कम्पेयर टू इवॉल्व और यहाँ पे ब्राइटनेस भी कहीं ना कहीं ज्यादा है सेंस 500 की, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो डिस्प्ले के मामले में सेंस 500 जीत जाती है सीधे इवॉल्व से और डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले नजर आती है एज कम्पेयर टू इवॉल्व और ज्यादा यहाँ पे प्रीमियम फील होती है डिस्प्ले के मामले में। बेजल्स भी बहुत कम है सेंस 500 में एज कम्पेयर टू इवॉल्व। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पे वॉच फेस एंड सपोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में अच्छा खासा एप्लीकेशन सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप लगा सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, अपनी वॉच में लगा सकते हो डायरेक्टली। और इसी के साथ साथ यहाँ पे जो इनबिल्ट आपको 4 से 5 वॉच फेसेस मिलते हैं तो आप लास्ट वॉच फेस को एडिट करके गैलरी में से कोई भी इमेज को एज अ वॉच फेस लगा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे फिटनेस ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड के बारे में तो दोनों में ही आपको 8 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसी के साथ साथ दोनों ही IP67 वाटर रेजिस्टेंट है, 3 मीटर तक आप पानी में इसको सबमर्ज कर सकते हो और स्विम प्रूफ आपको दोनों में से कोई भी वॉच नहीं मिलती है। कंसिस्टेंट स्टेप्स ट्रैकिंग और स्पोर्ट्स मोड ट्रैकिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे और उसी के साथ साथ सारे के सारे सेंसर्स दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं, चाहे वो एक्सेलेरोमीटर हो, चाहे वो ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर हो, चाहे वो जायरोस्कोप सेंसर हो, दोनों ही वॉचेस में ये सारे के सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो दोनों ही वॉचेस में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोनों में ही कॉलिंग फीचर मिलता है, आपको अपने फोन को बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों में ही आप कॉल को रिसीव भी और डायल भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड आपको रिप्लाई बैक नहीं मिलते हैं, आप दोनों में से किसी वॉच में प्री रिकॉर्डेड रिप्लाई बैक नहीं कर सकते हो, या आपको जो नोटिफिकेशन आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको वाइब्रेशन के थ्रू होगा या तो आपको जो रिंगटोन होगी वॉच में उसके थ्रू होगा। उसी के साथ साथ यहाँ पे और एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटडाउन टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन आपको दोनों ही वॉचेस में अवेलेबल हैं और यहाँ पे स्मार्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन भी दोनों वॉचेस में मिल जाता है। यहाँ पे आप जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलर आईडी और कॉल म्यूट और रिजेक्ट भी कर सकते हो अपने वॉच से ही, आपको बार बार अपने फोन को निकालने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ यहाँ पे फुल टच डिस्प्ले मिलता है और स्मूथ है यहाँ पे सेंस 500 का ज्यादा एज कम्पेयर टू इवॉल्व। इवॉल्व में आपको थोड़ा सा लैगी आपको फील होगा बट यहाँ पे सेंस 500 में आपको स्मूथ फील होगा, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। और यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 का ऑप्शन मिलता है तो यहाँ पे आपकी कनेक्टिविटी रेंज 7 से 8 मीटर तक की कंफर्म हो जाती है, यहाँ पे वॉच डिस्कनेक्ट नहीं होती है। बट थोड़े से इश्यूज मेरे को लगे सेंस 500 में, जब मैं इसको यूज़ कर रहा था तो कहीं ना कहीं कॉल डिस्कनेक्ट हो जा रही थी, वो फ्रीक्वेंट कहीं ना कहीं होता रहता है, तो ये थोड़ा सा इशू लगा मेरे को। कंपनी को एक OTA अपडेट लॉन्च करने की जरूरत है इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे फाइंड माई फोन और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है और सेंस 500 में आपको फाइंड माई वॉच और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन और कैमरा शटर बटन भी मिल जाता है, जो कि वॉल में कैमरा शटर बटन मिसिंग है बट यहाँ पे सेंस 500 में आपका फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिसिंग है, तो आपको फाइंड माई वॉच का ही ऑप्शन मिलता है, वो भी आपके एप्लीकेशन में जाके आप अपनी वॉच को फाइंड कर सकते हो, दैट्स इट। और दोनों ये वॉचेस एंड्रॉयड और iOS से पेयर हो जाते हैं, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होने वाला है आपको, तो आप आराम से चाहे आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो या iOS यूज़ कर रहे हो दोनों ही वॉचेस को यूज़ कर सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मामले में तो यहाँ पे दोनों ही वॉचेस अच्छा परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे 8GB इंटरनल मेमोरी मिलती है इवॉल्व में जहाँ पे आप गाने को स्टोर कर सकते हो बट सेंस 500 में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, आप गानों को स्टोर नहीं कर सकते हो। 64MB इंटरनल मेमोरी मिलती है जो कि आपकी
जो यूआई है उसको रन करने के लिए हेल्प चाहिए होती है उसमें, और जो रैम आपकी मिलती है जो स्मूथ रन करने के लिए उसकी हेल्प चाहिए होती है। तो 32 MB ऑफ रैम मिलता है सेंस 500 में, और रिवॉल्व में 64 MB ऑफ रैम मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे कंपनी का खुद का यूआई यूज़ किया गया है, और सेंस 500 में आपका आई वॉच की तरह इसका लुक दिया गया है, और उसी के साथ साथ जो इसका यूआई है वो भी आई वॉच की तरह ही थोड़ा सा मेलजोल खाता है, तो ये भी स्मूथ है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बटन की बात करूँ तो सिंगल बटन आपको मिलता है सेंस 500 में, और इवॉल्व में आपको दो बटन मिलते हैं, और यहाँ पे एक फंक्शन मेन्यू मिलता है और सेकंड आपको फिटनेस मेन्यू मिलता है। उसी के साथ साथ आप सारे के सारे गेस्चर्स को भी यूज़ कर सकते हो, अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे गेस्चर्स काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे बैटरी बैकअप और चार्जिंग टाइम के बारे में, तो दोनों ही वॉचेस आपकी 2 घंटे में फुल चार्ज हो आती हैं। जहाँ पे सेंस 500 7 डेज का स्टैंड बाय टाइम देती है, इवॉल्व आपकी 30 डेज तक का स्टैंड बाय टाइम दे सकती है, और यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी भी डिफरेंस है यहाँ पे दोनों में ही। इवॉल्व में 280 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है, और सेंस 500 में आपका 270 mAh बैटरी का यूज़ किया गया है। उसी के साथ साथ 14 दिन का रन टाइम क्लेम करती है इवॉल्व, और सेंस 500 3 डेज का रन टाइम क्लेम करती है ऑन द पेपर। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैग्नेटिक चार्जिंग दोनों ही वॉचेस में मिल जाता है, और यहाँ पे एक्चुअल में यूजेस कितना है वो भी मैं आपको बता दूँ। एक्चुअली अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ करोगे तो 7 से 8 दिन का आपको बैटरी बैकअप इवॉल्व दे देगी, और सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो, आप कॉल्स को रिसीव कर रहे हो, आप फिटनेस एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर रहे हो, तो आपका 2 से 3 दिन तक आराम से इवॉल्व वॉच रन कर जाएगी, कोई भी इशू नहीं है। और सेंस 500 आपकी एक्चुअली में 5 दिन का विदाउट नोटिफिकेशन, मतलब आपने ब्लूटूथ ऑफ कर दिया तो 5 दिन का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। जैसे कि मेरे को करीब करीब 3 से 5 दिन का बैटरी बैकअप मिल जा रहा था अकॉर्डिंग टू माई यूजेज, और अगर आप सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑन रखते हो तो आपका 2 दिन तक चल जाएगा। आप अगर कॉलिंग वॉलिंग भी ऑन कर रहे हो तो डेफिनेटली आपकी ये वॉच 20 से 24 घंटे तक ही लास्ट करने वाली, उससे ज़्यादा आपकी नहीं लास्ट करेगी। तो डेफिनेटली आपको इस तरीके से बैटरी बैकअप मिल जाता है दोनों ही वॉचेज में। और यहाँ पे टॉक टाइम की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तो टॉक टाइम यहाँ पे डिफरेंट है। सेंस 500 में आपको लगातार 4 घंटे तक का टॉक टाइम मिलता है, आप अपनी वॉच से बात कर सकते हो, और इवॉल्व में आपका 10 घंटे तक का टॉक टाइम मिलता है। तो यहाँ पे इवॉल्व थोड़ी सी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है अगर बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में बात करें तो। अब मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों में आपको हार्ट रेट स्कैनर मिलता है, दोनों में आपको SpO2 मॉनिटर भी मिल जाता है, और BP मॉनिटर भी आपको दोनों में ही मिलता है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि दोनों में सारे के सारे फीचर एंड फंक्शन सेम दिए गए हैं। स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिलता है, कैलोरी बर्न और स्टेप्स ट्रैकिंग का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, सेडेंटरी रिमाइंडर का ऑप्शन भी मिलता है दोनों ही वॉचेस में, और ब्रीथ रिलैक्स का ऑप्शन भी मिलता है। तो यहाँ पे सारे के सारे फीचर सेम ही है, बट सेंस 500 में एक एक्स्ट्रा एडेड फीचर है फीमेल हेड ट्रैकिंग का, जो कि इवॉल्व में नहीं है, दैट्स इट। बट यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक यहाँ पे कटौती नहीं करी गई है, ये बहुत अच्छी बात है कि दोनों में बहुत सारे सेंसर्स दिए गए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रैप क्वालिटी और बिल्ड मटेरियल के बारे में बात करें तो यहाँ पे दोनों की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, दोनों कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट वेट के साथ आते हैं। जैसे कि वॉल्व की 45 ग्राम्स की आती है, और सेंस 500 55 ग्राम्स में आपको थोड़ी सी हैवी पड़ती है, और यहाँ पे स्ट्रैप साइज भी डिफरेंट है। यहाँ पे वॉल्व में आपको 22 mm स्ट्रैप साइज का यूज़ किया गया, और सेंस 500 में आपको 20 mm स्ट्रैप साइज का यूज़ किया गया, तो आप आफ्टर मार्केट का भी लगा सकते हो। बट यहाँ पे वॉल्व में आई गेस आप आफ्टर मार्केट का जो स्ट्रैप है वो नहीं लगा सकते हो, यहाँ पे पूरा का पूरा मर्ज है आपकी जो वॉच से जो वॉच डायल से पूरा का पूरा ये मर्ज हो रखा है, तो डेफिनेटली मे बी इसमें पॉसिबल ना हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे सिलिकॉन स्ट्रैप का यूज़ किया गया वॉल्व में, और सेंस 500 में भी सिलिकॉन स्ट्रैप का यूज़ किया गया है। और अब मेन बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो वॉच डायल आपका इवॉल्व का मेटल का बना हुआ है, और बेस इसका पॉलीकार्बोनेट का है, और सेंस 500 में भी आपका वॉच जो डायल है वो आपका एल्युमिनियम का है, और जो बेस है उसका ग्लास्टिक मेटल का यूज़ किया गया है। तो ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम फील होती है सेंस 500, और ज़्यादा यहाँ पे मॉडर्न लुक देती है आपको सेंस 500 एज कम्पेयर टू इवॉल्व। तो डेफिनेटली यहाँ पे इस मामले में बिल्ड क्वालिटी के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा एज मैं देना चाहूँगा सेंस 500 को एज कम्पेयर टू इवॉल्व। और आप अगर आपको कोई भी वॉच बाय करनी है आप डायरेक्टली जाके अमेजोन फ्लिपकार्ट से बाय कर सकते हो, बट अगर आपको लो प्राइस में कोई भी वॉच बाय करनी है तो और डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो, वहाँ पे आपको बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे करीब करीब 300 रुपये का जो प्राइस डिफरेंस है वो जस्टिफाई करती है सेंस 500, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा एडेड फीचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इवॉल्व, और यहाँ पे ज़्यादा मॉडर्न आपको लुक देती है एज कम्पेयर टू इवॉल्व। तो आई गेस आप सभी के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, अगर आपका कोई डाउट क्वेरी रह गया है तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इस तरीके की डीप डाउन रिव्यूज आप सभी के लिए लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।